दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम एक कॉमन प्रॉब्लम पर चार्ट बनाएंगे। तो एक शोध के अनुसार पाया गया है झूठ बोलने के अलग अलग कारण हैं। उनमें से अगर आप ध्यान से देखें तो खुद को बचाने के लिए 36% झूठ बोला जाता है, और अपना प्रभाव बनाने के लिए जो झूठ बोला जाता है वो उसका परसेंटेज 11% है। अस्पष्ट कारण है जिसमें मानसिक कारण आते हैं, कुछ और कारण भी हैं, वो 9% हैं। और बेनिफिट के लिए, तरक्की के लिए जो झूठ बोला जाता है उसको जो परसेंटेज मिली है 44 मिली है। इसको अगर फर्दर थोड़ा और आगे डिटेल में समझना चाहें तो आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। खुद को बचाने के लिए आप जब झूठ बोलते हैं तो उसमें से 14% जो झूठ बोला जाता है वो किसी से बचने के लिए है, और किसी गलती को छुपाने के लिए 22% झूठ बोला जाता है। इसमें दोस्तों खुद को बचाने के लिए इसमें आपका अस्पष्ट कारण भी इसी में जुड़ जाते हैं। और तरक्की के लिए जो झूठ बोला जाता है उसमें इसका डिवीजन इस प्रकार है, आर्थिक लाभ के लिए 16%, आर्थिक से परे निजी लाभ के लिए 15%, अपनी छवि पेश करने के लिए 8%, और कई बार हल्का मजाक झूठ के माध्यम से किया जाता है 5%, और मानसिक वजहें हैं अस्पष्ट में 2%, और अज्ञात वजह से झूठ बोला जाता है 7%। हम देखते हैं तरक्की से ज्यादा जो झूठ बोला जाता है खुद को बचाने के लिए या किसी आनंद के लिए या किसी गुप्त रहस्य के लिए झूठ बोला जाता है, राज को छिपाए रखने के लिए भी झूठ बोला जाता है। अब यहां पर इस चार्ट को हम एक्सेल में इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो आप एक नई शीट में आएंगे। सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखेंगे 2, 3, इस तरह करते हुए आप आगे तक सीरियल नंबर लिख लेंगे। दूसरे कॉलम में आपने जो रीजन है उनको एंटर करना है इस प्रकार से। पहली दो लाइंस आप ध्यान से देखिए, पहली दो लाइन को हमने मर्ज किया, मर्ज के बाद लिखा खुद को बचाने के लिए, उसके बाद आगे की चार लाइंस को मर्ज किया, मर्ज ऑन सेंटर यहां से क्लिक करके होगा। जैसे अभी यहां दो लाइंस हैं इनको आप सिलेक्ट करें, उदाहरण के लिए मर्ज ऑन सेंटर करेंगे तो एक बन जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो अनमर्ज हो जाएगा। और उसके बाद अगला तीन लाइंस को हमने फिर मर्ज किया और लिखा प्रभाव के लिए, और नेक्स्ट टू लाइंस के लिए वो मर्ज करके अस्पष्ट, और आगे की गिनती को हम हटा देते हैं। इसके बाद खुद को बचाने के लिए दो जो कारण हैं उनको लिखेंगे, फिर उसके बाद तरक्की वाले लिखेंगे, फिर प्रभाव वाले लिखेंगे, अस्पष्ट। एक शोध से प्राप्त की गई जानकारी का डेटाबेस है, इसको आप इस प्रकार से टाइप कर लें। इस प्रकार से टाइप किया, आगे परसेंटेज हमने लिख ली। दोस्तों इसके बाद आपने सीरियल नंबर को छोड़ करके आगे जो हमारे पास तीन कॉलम है बी सी और डी, इनके अंदर जो डेटा लिखा है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर चार्ट्स में कॉर्नर पे बने इस छोटे से एरो पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपने ऑल चार्ट्स में जाकर के यहाँ बनी ऑप्शन सनबर्स्ट SUNBURST इस पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने चार्ट एक ही आएगा, आगे जो उसका सैंपल आएगा उसको आप ओके कर देंगे तो आपके सामने एक छोटा सा चार्ट बन के आएगा। अब इसको आपने कॉर्नर से बड़ा करना है जितना आप चाहते हैं। अभी डेटा को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी बाकी है, परसेंटेज साथ में नहीं आ रही है, और ये टेक्स्ट का जो साइज है काफी बड़ा है, या इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं सुविधा अनुसार। अब इसमें आपने परसेंटेज कैसे लानी है, इसके लिए आपने इस पर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरफ से ऑप्शंस खुल के आएंगे। यहां पर आपने प्लॉट एरिया ऑप्शन पे बने एरो पे क्लिक किया, और यहां आपने डेटा लेबल पे क्लिक कर देना है। डेटा लेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने पहली ऑप्शन फिल है, दूसरी आपकी इफेक्ट्स है, तीसरी आपकी साइज एंड प्रॉपर्टीज है, चौथी ऑप्शन लेवल ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर पहले लेवल ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ वैल्यूज पे क्लिक कर देना है।
अब देखिए आपके साथ बने चार्ट में टेक्स्ट के साथ वैल्यूज यानी परसेंटेज आ रही है, लेकिन ये कॉमा लग के आ रही है। आप कॉमा में नहीं जाते, आप नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, सेपरेटर के आगे जो कॉमे का निशान बना है और एरो बना है, इस पर क्लिक करिए और यहां पर आपने न्यू लाइन पे क्लिक कर देना है। न्यू लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखते हैं कि आपकी टेक्स्ट के ठीक नीचे परसेंटेज के साथ आपकी वैल्यू आ जाती है और आपका चार्ट तैयार हो जाता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, जैसे इस एरिया में आप देखिए यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई नंबर नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपका हमारा टेक्स्ट का जो साइज है इस एरिया से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। आप इसको एक बार कम कर लीजिए। आप यहाँ इसका फॉन्ट जो है बिल्कुल होम में बने आगे फॉन्ट बॉक्स से आप इसको 8 कर दीजिए। अब आप देखिए हल्का सा यहाँ तो टेक्स्ट आ गया है, अभी यहाँ से टेक्स्ट मिसिंग है और यहाँ से मिसिंग है। या तो आप चार्ट का साइज बड़ा कर दीजिए या फिर आप फॉन्ट साइज कम कर दीजिए। अब आप देखिए मैंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज जब कम किया तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास सभी एरिया में टेक्स्ट के साथ परसेंटेज दिख रही है। एक और तरीका इसको अच्छे से करने का है, आप एक शीट में टेक्स्ट रखें, दूसरी शीट में आप चार्ट को ले जाएं। इसके लिए आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी करें और एक नई शीट ली और यहां पर आप इसको पेस्ट कर दें और इसके बाद आप कॉर्नर से इसको अपनी स्क्रीन के हिसाब से रिसाइज कर दें और यहां पर आप जो है टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ये सिलेक्टेड हो जाएगा पूरे चार्ट में और आप यहां से इसका साइज लगभग 11 या 12 तक ले सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लॉट का बैकग्राउंड के एरिया का कलर है, उसके लिए आप इसको चेंज करिए। राइट क्लिक किया खाली एरिया में चार्ट के साथ बने और फिर यहां से ऑप्शन ली फॉर्मेट प्लॉट एरिया और यहां पर आपने पहली ही ऑप्शन जो हमारी फिल है इसमें आपने सॉलिड फिल लेना है और यहां पर आपने कलर बताना है जो कलर आप चाहते हैं। यहां जो बनी व्हाइट लाइंस है इनको हम ब्लैक और थोड़ा सा इनका वेट बढ़ाना चाहते हैं, इनको मोटा करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, यहां चार्ट के बिल्कुल साथ राइट क्लिक कर दें और फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे चले जाएं और यहां पर आपने प्लॉट एरिया ऑप्शन में से सीरीज पे क्लिक कर देना है। इसको करने के बाद पहली ऑप्शन फिल सिलेक्टेड ही रहेगी, इसके ठीक नीचे आपको बॉर्डर दिखेगा, यहां पर सॉलिड लाइंस में आपने क्लिक करना है और यहां पर कलर चूज कर लेना, जैसे हम ब्लैक कलर ले रहे हैं और यहां पर विड्थ आप अपने हिसाब से बढ़ा देंगे। मैं यहां बढ़ाता जा रहा हूं तो आप देखिए लाइंस यहां बढ़ती चली जा रही है। अब बाहर क्लिक किया तो ये काफी सुंदर दिख रहा है। इस प्रकार से आप लाइंस अलग कलर में लेते हैं तो एकदम से पता चलता है। दोस्तों आप इसके बाद ये जो बहुत एरिया में कलर दिख रहे हैं इनको बदलना चाहते हैं, जैसे चेंज करना चाहते हैं, आपको ब्लू कलर पसंद नहीं, तो आप क्या करें इस पे क्लिक कर दें एक बार फिर क्लिक करें तो अपने आप यहां सीरीज ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगी। आपने इसके ठीक नीचे बने सॉलिड फिल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहां कलर के आगे कलर ले लेना, जैसे मैंने यहां रेड कलर लिया। अब आप यहां क्लिक करेंगे देखिए रेड कलर में ये चेंज हो गया। अब इसी प्रकार से ये जो तरक्की के लिए जो बना एरिया है इसको सिलेक्ट किया, इस प्रकार से सनबर्स्ट चार्ट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस एक्सेल की शीट को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।